श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आप सभी को बगला मुखी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वो दिन है जिस दिन माँ भगवती बगला मुखी का प्रादुर्भाव हुआ था, और माँ का जन्म दिवस है तो कुछ तो साधना हमें साथ में करना चाहिए। तो आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 10 महाविद्या में देवी बगलामुखी का साबर विधान है, ठीक है, पूर्ण विधान नहीं है, अल्प विधान है। इसके साथ ही एक अभी व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू किया है, जिसमें कि मैं 9 दिनों का भगवती का विधान बता रहा हूँ, जिसमें दो तरह का विधान रहेगा। एक तो जिनको धन प्राप्ति करना है उनके लिए भगवती का विधान, और जिनको शत्रुओं से परेशानी है उनके लिए भगवती का विधान, दोनों गृहस्थों के लिए होगा। ये भी जो मैं साधना बताने वाला हूँ ये भी गृहस्थों के लिए ही है। देखो, इसमें आप दिन भर अगर व्रत रखे तो बहुत उत्तम है, नहीं तो फिर आप लोग एक समय पीला भोजन खा सकते हैं। साधना के समय पीला वस्त्र और पीला आसन रहेगा। जिसके पास पीला वस्त्र और पीला आसन नहीं है वो स्वर्ण आभूषण पहन ले, क्योंकि बगलामुखी स्वर्ण से बहुत प्रसन्न होती है। काला वस्त्र नहीं पहनिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा दिशा जो है वो पूरब की तरफ होगा। साधना समाप्ति के बाद साधना स्थल पर कोई न जाए, ऐसी भी व्यवस्था आप लोगों को करनी पड़ेगी। आगे अभी जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं यह बगलामुखी यंत्र है। इस यंत्र को आप लोग चाहे तो पीले वस्त्र पर या किसी सफेद कागज को पीला रंग के, अगर रंग नहीं है तो हल्दी से रंग के, या फिर ताम्रपत्र पर बना सकते हैं। मिश्रण केसर हो तो उत्तम है, नहीं तो सिर्फ रोली से या फिर केसर और रोली के मिश्रण से बनाएंगे। इतना बनाने के बाद इसको आप पूजा स्थान पर रखेंगे, इसके सामने एक पुष्प अर्पित करेंगे और बोलेंगे हे बगलामुखी भगवती इस पुष्प पर विराजो, ठीक है, मतलब ये स्थान मैं तुम्हें देता हूँ, इस पुष्प पर विराजो। और उसके बाद उस जगह पर आप पंच पूजा करेंगे, ठीक है। पंच पूजा करने के बाद अब जो मैं मंत्र बता रहा हूँ वो स्क्रीन पे भी आएगा, इसको आपको जाप करना है 2 बार में। मंत्र है ओम सौ सौ दूता समुंदर टापू, टापू में थापा सिंहासन पीला, सिंहासन पीले ऊपर कौन बसे, सिंहासन पीले ऊपर बगलामुखी बसे, बगलामुखी में कौन संगी साथी, कच्ची बच्ची काक कुतिया स्वान चिड़िया, ओम बगला बाला हाथ मुंड गर मार, शत्रु हृदय पर सवार तिसकी जिह्वा खींचे बाला, बगलामुखी मरनी करनी उच्चाटन धरनी, अनंत कोटि सिद्धों ने माना, ओम बगलामुखी रमे ब्रह्मांडी मंडे, चंद्रसुर फिरे खंडे खंडे, बाला बगलामुखी नमो नमस्कार। उसके बाद एक मंत्र और आता है ओम ह्रीम ब्रह्मास्त्र विद्महे स्तंभन बनाए धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात, ठीक है। जब आपने पंच पूजा कर लिया, भगवती का पूजा आपने कर लिया, उसके बाद वो जो आपने यंत्र बनाया है उसको किसी थाल में अपने सामने रखेंगे, ठीक है। और थाल में रखने के बाद अच्छा एक कोशिश करना कि वो जो भी आप बनाओ वो सवा के हिसाब में हो, सवा एक इंच, सवा एक फीट, ऐसा एक यंत्र बनाना, सवा एक हाथ, सवा एक बाई सवा एक का। अब जब यंत्र बना लिया उस यंत्र के चारों कोनों को पीले चावल से दाब देना, ठीक है, एक एक मुट्ठी पीला चावल रखना, बीच में भी एक पीला चावल एक मुट्ठी रखना, मतलब चावल को हल्दी मिला करके उसके बाद जो बीच वाला जो चावल है उस पे रखोगे दीपक घी का, ठीक। जो चारों तरफ जो चावल आपने रखा है उस पे रखोगे धूप, और सबके कोने में आप रखोगे प्रसाद। प्रसाद जब आप रखोगे तो यंत्र के ऊपर नहीं, यंत्र के बाहर रखना, ठीक है। और उसके बाद फिर आप करेंगे इस मंत्र का जाप। मंत्र का जाप का क्या विधान है, इस मंत्र का 2 भाग है, ठीक है, एक तो संस्कृत का मंत्र है और दूसरा साबर में है। हालांकि पूर्ण जो 10 महाविद्या वो पूरे मंत्र को बोला जाता है। पहला 108 जाप जो है ओम सौ सौ दूता समुंदर टापू से शुरू होकर के बाला बगला नमो नमस्कार, और उसके बाद ओम ह्रीम से लेकर के बगला प्रचोदयात तक होगा, ये एक माला होगा। मतलब पहले शुरू करेंगे 108 माला,
108 गिनती ओम सौ सौ दूता समुंदा टापू टापू में थापा सिंहासन पीले ऊपर कौन बसे सिंहासन पीला ऊपर बगला मुखी बसे बगला मुखी के कौन संगी कौन साथी कच्ची बच्ची काक कुतिया स्वान चिड़िया ओम बगला बाला हाथ मुदगर मार शत्रु हृदय पर सवार तिसकी जीवा खींचे बाला बगला मुखी मरनी करनी उच्चाटन धरनी अनंत कोटि सिद्धों ने मानी ओम बगला मुखी रमे ब्रह्मांडी मुंडे चंड सुर फिरे खंडे खंडे बाला बगला मुखी नमो नमस्कार ओम रिम ब्रह्मास्त विदमहे स्तंभन बनाए धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात। इतना 108 बार पढ़ेंगे, उसके बाद 1008 बार आप पढ़ेंगे सिर्फ ओम रिम ब्रह्मास्त्राय विदमहे स्तंभन बनाए धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद इस यंत्र को वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि दीपक आपके दीपक जो है जब तक आप पाठ कर रहे हैं वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, ठीक है, कभी भी नहीं, धूप हमेशा जलता रहना चाहिए, उसको आप बार बार भरते रहेंगे। और एक बार जब जाप समाप्त हो जाए तो जहाँ पे भी ये साधना कर रहे हैं उसको उस दिन के लिए बंद कर दीजिए। सुबह में आप साधना कर रहे हैं तो संध्या में सिर्फ एक बार दीपक जलाने के लिए खोले, फिर बंद कर दिए उसको। और अगर संध्या या रात्रि में आप पूजा कर रहे हैं तो इसको बंद करिए और दूसरे दिन खोलिएगा। दूसरे दिन खोल करके जितनी सामग्री है उस यंत्र के अलावा सबको एक थैले में करके उसको विसर्जन कर देना है जल में, ठीक है। और ये यंत्र जो है ये बगलामुखी यंत्र आपका तैयार हो गया। अब क्या है कि किसी भी तरीके का आपको कोर्ट कचहरी का कोई परेशानी है, कोई ऐसा मान के चलो कि शत्रु है जो आपको हमेशा प्रताड़ित कर रहा है, वैसे स्थानों पर जब भी जाएंगे कोई ऐसा विषय है जिसमें कि आपको लगता है विजय प्राप्त नहीं करेंगे या बार बार बिना किसी विषय के उसमें आपको परेशानी आ रहा है, तो इस यंत्र को मोड़ करके और अपने जेब में रख लेंगे। इस यंत्र को फ्रेम करके आप अपने घर में भी रख सकते हैं या फिर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि धन पे आने वाली कोई भी विपदा जो है वो टल जाती है। आज के लिए इतना ही। जिनको बगलामुखी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जो 9 दिन का विधान मैं बताऊंगा, तो उसके लिए ग्रुप जो कम्युनिटी है यूट्यूब उस पर मैंने अनाउंसमेंट कर रखा, आप उसको देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी संपर्क कीजिएगा तो उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। बेसिक साधना का मतलब आसन बंधन दिशा बंधन और जो शुरुआती मंत्र होते हैं गुरु मंत्र से पहले के वो। जिनको मुझसे बात करनी है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरा वेबसाइट है www.aghortantrasya.xyz। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, उसमें सर्च कीजिए rudranath@cm4, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। माँ भगवती बगलामुखी आप सभी को सुरक्षित रखे ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाक आदेश।